आज मैं आपको रूह-अफ़ज़ा शरबत बनाना सिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये ब्रांड का यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, चलिए देख लेते हैं। ये हमें रूह-अफ़ज़ा शरबत बनाने के लिए हमने ये एक जग लिया है। इसके अंदर मैं ये हाफ कप चीनी डाल दूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। ये मैंने पानी डाल दिया, मैंने इसमें थोड़ा नॉर्मल पानी डाला है ताकि चीनी घुल जाए आसानी से। अब मैं इसके अंदर रूह-अफ़ज़ा ऐड करूंगी। आप जितना मीठा खाते हैं आप अपने उसी हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर रूह-अफ़ज़ा ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर दो नींबू ऐड कर देंगे। हमने दो नींबू कट कर लिया। अब हम इसके अंदर नींबू का जूस और ऐड कर देंगे। आप जितना खट्टा मीठा खाना चाहते हो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं नींबू ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, आपके पास अगर एक है तो आप एक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप नींबू स्किप भी कर सकते हैं। ये हमारा हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। अब हम इसे चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेंगे। रूह-अफ़ज़ा डालने के बाद जब हम इसमें नींबू निचोड़ते हैं तो रूह-अफ़ज़ा का कलर जो होता है ना वो फीका पड़ जाता है। तो आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए, इसका कलर ही फीका होगा, टेस्ट में कोई कमी नहीं होगा। बिल्कुल जैसा आप टेस्ट चाहेंगे वैसा ही होगा। अगर आपको लगे कि ये कलर फीका है तो आप इसमें थोड़ा सा और रूह-अफ़ज़ा ऐड कर सकते हैं। हम इसे घोल लेते हैं अच्छी तरीके से, चीनी हमारा मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा चीनी मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। और इसे मिक्स करूंगी, थोड़ा सा और पानी ऐड करूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरा 1 लीटर पानी यूज़ किया है। 1 लीटर में मैंने हाफ कप चीनी ऐड किया है और 2 नींबू ऐड किया है। अब हम इसे करेंगे मिक्स। आप चाहे तो इसमें पुदीना ऐड कर सकते हैं, बट मुझे पुदीना का फ्लेवर पसंद नहीं है इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैं इसे अच्छा चिल्ड करने के लिए मैं इसमें आइस क्यूब डालूंगी। मैंने थोड़ा सा आइस क्यूब डाल दिया। अब इसे करेंगे मिक्स। अब मैं इसे करेंगे शॉप करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आइस क्यूब डालें ग्लास के अंदर और इस तरह से शरबत को ऐड करें। आज इसे ठंडा ठंडा पी लें। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लुक आया है। ये झटपट 2 मिनट 5 मिनट में बन जाते हैं। इसी तरीके से आप बनाएं और पिएं और बताएं कैसा लगा। अगर मेरा रूह-अफ़ज़ा शरबत अच्छा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड और फैमिली को शेयर करें।